अलवर शहर के निकट जैसमंद बांध में 25 साल बाद 7 फुट पानी आ चुका है। पप्पूराम सैनी ने बताया कि सिलीसेड़ की अगर उपरा आती है तो जैसमंद में पानी आ जाएगा, क्योंकि नटनी का बारा और काली खोर से पानी बहुत तेजी से जैसमंद झील में आ रहा है। अगर जैसमंद झील भरती है तो पूरे अलवर सिटी की समस्या का समाधान हो जाएगा और जनता को पानी भी मिल जाएगा, कुएं रिचार्ज हो जाएंगे। यदि मानसून की बारिश लगातार होती है तो जैसमंद फुल हो जाएगा, जिससे पर्यटक भी ज्यादा आएंगे। पब्लिक की प्यास बुझेगी और जो है जमींदारा में खेती में पानी पहुंचेगा, नहर चलेंगी 95-96 सन के बाद में। अब मालिक राजी हुआ ऊपर वाला, तो अब यहाँ मानसून की बारिश अच्छी हो रही है, करीबन 7 फुट के ऊपर पानी पहुंच चुका है। और मालिक से यही अरदास है, आम पब्लिक की, हमारे अलवर जिले की, मानसून के बारिश भारी होने की और हमारा बंद जैसमंद है जो ये, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें आएगा तो हमारे अलवर वासियों की प्यास बुझेगी, आगे तक भी भरतपुर का एरिया तक भी यहाँ का पानी नटने का बारा से जो नदी निकलती है तो उससे भरतपुर की भी प्यास बुझती है, अलवर ज़िले के जमींदारों के रूंगी खिल रही है। जितना पानी जैसमंद में बढ़ रहा है तो इतना ही सारे जमींदार से लेके आम पब्लिक उतनी खुशी का माहौल में बढ़ रही है। क्या लगता है, पानी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, रोजाना पानी नहीं है पीने को? सरकार से प्यास नहीं बुझ सकी, उसको मालिक प्यास बुझाने वाला है ऊपर वाला, तो जितने मटका फोड़ रहे हैं, कहीं वहाँ प्रदर्शन कलेक्टर के हो रहा है, कहीं जल वाटर विभाग पे हो रहा है, वो सारा समस्या हल हो जाएगी। हमारे जैसमंद में जितना भी पानी आएगा तो सारे कुओं में, नलकूपों में, बोरिंगन में ये रिचार्ज हो जाएंगे, तो सबके लिए पानी आम पब्लिक के लिए मिल जाएगा। अब आपको क्या लगता है और क्या फायदा होने वाला है इस पानी से? इससे इतना फायदा होने वाला है कि जितने भी हमारे यहाँ के खेतीहार जो किसान हैं, किसानों के लिए भयंकर फायदा होने वाला है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला है कि जितना इसमें 95-96 में पानी भरा था उससे आज तक हमारे खेती कर रहे हैं किसान, सारे बोरिंगों में, सारे उनमें रिचार्ज हुआ। और अब मालिक इसको एक बार और उपरा चला दिए, मानसून की मेहरबानी हो जाए ऊपर वाले की, तो 10-5 साल के लिए अलवर वासियों की जैसमंद प्यास को बुझा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलख खां है, ग्राम खेड़ली पिछाड़ो, तहसील मालाखेड़ा का रहने वाला हूँ, पहले खारेड़ा रहता था।